अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वली टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने रिसेंट वीडियोस में डिस्कस किया था फाइवर और कैनवा के थ्रू हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो फाइवर के ऊपर हमने फ्रीलांसिंग करनी है, बेसिकली उन स्किल्स को सेल करना है जो हम कैनवा के ऊपर सीखते हैं। तो ये हमारी कैनवा की एक सीरीज़ चल रही है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कैनवा के रिलेटेड वीडियोज़ बता रहा हूँ, कैनवा के रिलेटेड गाइड कर रहा हूँ। तो कैनवा के ऊपर आपने बेसिकली आज कौन सी सर्विस उसकी मतलब उसकी हेल्प कर लेते हुए उसकी सर्विस सेल करनी है, सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ आए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पर कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर कैनवा ओपन कर लेना है। तो कैनवा एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंपनी है जिसके थ्रू हम बहुत सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड वो चीज़ें बनाते हैं जो जिनको हम सेल कर सकते हैं। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले हमने यूट्यूब की थंबनेल बनाए थे, उसके बाद फेसबुक पोस्ट वगैरह बना ली थी। तो आज जो हम बनाएंगे फेसबुक पोस्ट लेयर हो गई है, तो जो मैं आपको वो सिखा रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आप इजीली इससे लर्न कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंस्टाग्राम पोस्ट पे है, लेकिन आज हमने लोगों के बारे में डिस्कस करना है, लोगों कैसे बनाएंगे इसके ऊपर। बिकॉज क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इजीली यहाँ पर ख़ुद भी सीख सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इससे लर्निंग करेंगे। ये सारी चीज़ डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस पर, जितना आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसमें आपकी इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। तो मैं अपने चैनल के लोगो भी यहाँ से ही बनाता हूँ, तो बहुत ईजी है लोगो बनाना। लोगो डिज़ाइनिंग पहले देख लें, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को टारगेट किया हुआ है जिनकी सर्विस भी इजीली आप सेल कर सकें और उसके ऊपर आप क्लाइंट हैंडल कर सकें, क्योंकि बेसिकली हमारा जो मकसद होता है क्लाइंट हैंडल करना होता है। तो ग्राफिक एंड डिज़ाइन फाइवर के ऊपर आ जाते हैं। तो फाइवर ओपन कर लिया हमने, फाइवर एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप अपने रिमोटली स्किल्स को सेल करते हैं। तो लोगो डिज़ाइन हमने ओपन कर लिया है, तो पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि इनका रेट क्या है डॉलर में। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि 65, 155, $15, $25। तो लोगो आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि किस किस्म का आप लोगो बना सकते हैं। ये क्रिएटिव माइंड, ये देखें आप, तो 1/3 के और इस तरह के और भी हैं। हमने टारगेट करना है न्यू सेलर को, क्योंकि ये प्रो वेरीफाइड तो ऐसे समझ लिया इसके तक पहुंचना इजी नहीं होता, क्योंकि स्टार्ट तो आपने न्यू सेलर से ही करना है। सो अब को मैं बेसिकली जो दिखाने का मकसद ये है कि इसने 30 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं, अभी भी 2 ऑर्डर जो हैं इसके पेंडिंग में हैं। तो एक लोगों का ये देखें, ये $10 चार्ज कर रहा है। तो इस तरह के अप टू सो ऑन, ये सब को आप जाके ख़ुद भी देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये लोगो बनाते कैसे हैं, लोगो बनाना हमने जो सीखना है बेसिकली वो मैंने आपको दिखा दिया, इसको सेल जो कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और इनके चार्जेस क्या हैं वो भी आपने देख लिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एज ए एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने लोगो प्रोवाइड किए हुए हैं। तो अब सब ये देखें, ये हैं प्रो वर्जन, ये सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन ये अब इसमें क्रिएटिविटी कहाँ पे है, आपने कहाँ पे क्रिएटिविटी लानी है। तो ये देख लें आप, ठीक है, ये अब इसका एम है। इस पर मैंने आपको एज एग्जांपल बार बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी कर रहे हैं एज एग्जांपल आपकी लर्निंग के लिए कर रहे हैं। इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप मज़ीद भी इसमें इम्प्रूव हो जाएंगे। तो इसमें मैं कोई अच्छा सा फॉन्ट फ्री वाला जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने आपको रिसेंट वीडियो में भी यही बताया था कि इसकी कैनवा की जब सीरीज़ एंड हो जाएगी मैं आपको इसके बारे में ये बताऊंगा कि आपने इनकी प्रो जितनी भी लाइक ये देख सकते हैं ये राइटिंग है, आप इसकी विदाउट पेमेंट इसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपने विदाउट पेमेंट इसको कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको इस सीरीज़ के एंड पे बता दूंगा। इसकी जब मैं प्ले लिस्ट बनाऊँगा तो तब इस चीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर
यहाँ पर ये एम है तो इसको मैं चेंज करता हूँ, क्योंकि मैंने अपना चैनल के लिए लोगो बनाना है। लाइक मैं आपको ऐसा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसमें चेंजेस ला दूँ। ठीक है, डिज़ाइन हमारा रिलेटेड है नहीं, सो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो सर्कल को यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ रिक्वायर्ड है, वो है टी, लिहाजा हम यहाँ पर एडिंग में टी का फॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस किस्म का फॉन्ट लाइक करते हैं। अब इसकी साइज़ में वैसे ही बना दें। कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। तो अभी भी इसको मज़ीद छोटा करना है। ये हमारे पास एक लोगो क्रिएट हो गया अपने चैनल का। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से शेयर के ऊपर जाके डाउनलोड कर लूँगा। एक PNG फाइल मेरे पास मेरे PC में ये डाउनलोड हो रही है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे PC में अब आ चुकी है। ठीक है, तो ये मैं आपको एज एग्जांपल सब कुछ जो सिखाया ये एज एग्जांपल था। ठीक है, तो आपने अपनी गिग बनाई होगी, ठीक है, इसके ऊपर फाइवर के ऊपर आपने गिग बनानी है। गिग बनाने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है अपने चैनल पर, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपने गिग कैसे बनानी है। गिग क्रिएशन का भी तरीका बताया है, तो उसके ऊपर आपने लोगो डिज़ाइनिंग की गिग बनानी है। मैंने आपको ऐसे कोई भी गिग इजीली आप बना सकते हैं। मैंने वर्डप्रेस की बनाई थी गिग क्रिएशन कैसे करते हैं, वो वर्डप्रेस की, तो उस पर आपने अपने लोगो के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन है वो करके उसके बाद उसी तरह सेम फाइबर के ऊपर एक गिग बना लेनी है लोगो डिज़ाइनिंग की। जब लोगो डिज़ाइनिंग की आपकी गिग बना लेंगे, उसके ऊपर आपने जितने भी लाइक इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे, जो भी लोगो बनाएंगे, तो उसके ऊपर अपलोड पिक्चर्स कर देंगे, जैसे इन्होंने अपने वर्क को यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो इस तरह आप अपने वर्क को अपलोड करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि भाई इस किस्म के हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल हैं, लाइक इस तरह के हम लोगो बना सकते हैं। ठीक है, ये किसी भी किस्म का लोगो हो सकता है। तो ये देखें, ये किसी भी कंपनी का लोगो है, तो ये इन्होंने यहाँ पर हम दिखाए हुए हैं कि हम इस किस्म के लोगो हमने बनाए हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये अब आज का हमारे वीडियो का जो टॉपिक था वो ये था कि आपने लोगो क्रिएशन कैनवा के थ्रू कैसे करनी है। तो इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।